एक देश एक विधान एक निशान के संकल्प को पूरा होने के अवसर पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोलघर चेतना तिराहे पर एकत्र होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। हर्षोल्लास से लबरेज तिरंगे व तख्तियां लिए वंदे मातरम भारत माता की जय के उद्घोष के बीच देश प्रेम के भाव का इजहार किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा संगठन के प्रमुख ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने कहा, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, वंदे मातरम, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय, मातरम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, 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 मातरम। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता एवं अखंडता के लिए और देश के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं और आज उनके जयंती के अवसर पर एक विधान एक निशान एक संविधान एक प्रधान के आधार पर आज जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख भारत का अंग बना, जो अब हम पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण संपूर्ण भारतवासी एक हैं। आज इसका खुशी का दिन है। इस अवसर पर हम सभी ने आपस में मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित भाई शाह को इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके साहसिक फैसले के कारण जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख भारत का अभिन्न अंग होते हो गया और वहाँ पर अब हम लोग भारत का तिरंगा और भारत के संविधान और भारत का जो प्रधान होगा वहाँ का नेतृत्व करेगा। इस नाते इस अवसर के लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं।